हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ तोसिफ सर, एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल चैनल पढ़ाई का कवच। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी सीक्वेंशियली डिस्कस अबाउट द एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity per unit time, which is known as acceleration. It is denoted by small a, and the equation of the acceleration is final velocity minus initial velocity divided by time. Okay, a is equals to v minus u divided by t. Okay, now today we will discuss about graphical representation of motion. Graphical representation, how we will represent the motion through the graph. Students, आपने कई कई बार देखा होगा कि जब जब हम क्रिकेट मैच को देखते हैं तो क्रिकेट मैच के अंदर खास करके क्रिकेट मैच के अंदर जो रन रेट वर्सेस ओवर का ग्राफ होता है, तो 50 ओवर होती है और हर एक ओवर के अंदर रन का ग्राफ मेंटेन होता है। तो अगर हमें कहा गया कि किस तरीके से पारी को बैट्समैन ने संभाला या तो पारी गिरती गई, ये हम कंक्लूजन के ऊपर कैसे आ सकते हैं? या तो अगर हमें इजीली देखना हो कि इन 50 ओवरों के अंदर किस तरीके से बैट्समैनों ने पर ओवर रन्स बनाए, तो उसके लिए ग्राफ्स वो लोग हमें दिखाते हैं, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको मालूम होगा। यहाँ पे होती है रन्स, यहाँ पे होती है ओवर्स, ठीक है। ओवर्स यानी कि 1-2 से लेके 50 तक ओवर्स होती है, और उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से कुछ ग्राफ होता है। मतलब कुछ ओवर में ज्यादा रन्स बने, कुछ ओवर में कम रन्स बने, तो उसका एजम्पशन हम ऐसा लगा सकते हैं। सपोज यहाँ पे कोई एक ओवर के बारे में ऐसा ग्राफ बना है, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि ऊपर जैसे जैसे आप जाते हो तो रन की बढ़ोतरी होती जाती है, 0-1-2 से लेके 6 तक, या तो 10-12-15-20, जितने रन मैक्सिमम 36 बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज क्लियरली विजिबल टू अस कि यहाँ पे रन बढ़ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ से हमने देखा तो यहाँ पर रन घट रहे थे। सो कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर हम कोई भी दो क्वांटिटी को लेके, यानी कि वेरिएबल्स को लेके उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, देन इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द एंटायर सिचुएशन। ओके, सो इन सच मैनर टू अंडरस्टैंड द मोशन इन अ वेरी इजी मैनर, वी शुड प्लॉट इट इन अ ग्राफ। सो मोशन को कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कि मोशन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत क्या है? सो टू इजीली आइडेंटिफाई वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वी नीड टू प्लॉट इन अ ग्राफ, ठीक है। कैलकुलेटिव डेटा से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटिव डेटा से इंटरप्रिटेट करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। मतलब वी नीड सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस टू identify whether the motion is uniform or not uniform, but through the graph we can easily identify whether the motion is uniform or not uniform. Let us discuss. सबसे पहले तो graph के अंदर दो axis होती है, the vertical axis is known as y axis and the horizontal axis is known as x axis. Okay, so on the y axis I took the variable distance s. Means we need to plot a graph between the two variables. So for the plotting of graph, we need two variables. So in this graphical representation, I will take distance and time as my variable, and I will plot according to this variable. The distance or time जो है उसके according graph हम यहाँ पे बना रहे हैं. So I will took y axis as my distance and x axis as my time. Okay, distance is denoted in the S and time is denoted by T letter. So in this graph
I must take the motion as a uniform, means equal distance travel in a equal time. See, motion जो है वो मैं यहाँ पे uniform ले रहा हूँ. Suppose कोई चीज़ rest के ऊपर है, मतलब अभी वो कोई distance नहीं travel कर रही, और initially जो time है वो भी मैंने calculate करना शुरू नहीं किया. So initially the substance is at rest, so the distance travel is zero and the timing is zero. But once the time starts, after the 2 second, the substance travel 4 meter distance. Okay, after another 2 second, substance travel 8 meter. Means, at an interval of 2 second, the distance traveled by the substance is 4 meter. So if this parameters remain same, means in a 2 second, if equal distance traveled is 4 meter, then we can say that the motion is uniform. Let us check. 6 second minus 4 second, 2 second difference is there, and 12 meter minus 8 meter, this is the distance difference, which is also 4 meter. So we can say that this motion is a uniform motion. ये कैसी motion है? Uniform motion है, because दो हर 2 second के अंदर 4 meter distance travel यहाँ पे हो रहा है. So let us plot this thing in a graph. So I already take the time on a x-axis and distance on a y-axis. So on the x-axis, I will take 2, 4, 6 and 8 seconds as my reference points. And on the y-axis, I will take 4 meter, 8 meter, 12 meter as my references. Okay. So first data available to us is in a 2 second, the distance traveled by the object is 4 meter. So if I will plot, or I will stretch one line here at 2 second and 4 meter. So where the line intersect, I will make one point. The timeline and the distance line, where both this line intersect each other, at that point I will mark its position. After 2 second, the distance travel is 8 meter. Okay, so again I will stretch the line of time and distance. So this both lines meet at this point. Okay, so the point, if we continuously plot this point according to our data, we will get these 3 points, 1, 2, and 3. So according to these 3 points, we get a straight line if we will join it this together. मतलब अगर हम ये 3 points को जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. वैसे तो इसके रेफरेंस में ये इंक्लाइंड है, बट अगर इस आप लाइन को देखें तो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, पास ऑन हो रही है. ठीक है. सो व्हाट इज द अल्टीमेटली अल्टीमेट कंक्लूजन बिहाइंड दिस ग्राफ, दैट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन व्हेन वी टेक द मोशन एज यूनिफॉर्म. सो दिस इज द अल्टीमेट कंक्लूजन बिहाइंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. सो इफ यू विल टेक the motion as a uniform motion, then the graph is in a straight line. Graph kaisa banta hai? Straight line mein. Uske baad hai distance time graph for non uniform motion. So students, iske andar jo distance traveled hoga wo equal time mein equal distance nahi hoga, kyunki hum time ko to equal rakh sakte hai, lekin jo distance travel ho raha hai, it depends upon the motion of an object. So we will take the non-uniform motion example. See here, time is given, distance is given. So initially the object is at rest, so time and distance both will be zero. After a 2 second of time, the distance traveled by the object is 1 meter. After another 2 second, means after 4 second, the distance travel is 4 meter. So look at here, the difference between these two parameters is 2 second. And the difference between this is 3 meter. Okay, no issue. 2 second में 3 meter का distance ये substance travel कर रहा है. लेकिन अगर dear students ध्यान से सुनना, दूसरे 2 second में ये substance और 3 meter distance travel करता है, then we can say that it is uniform. But if the distance travel is not 3 meter within a 2 second, then we can say that the motion is non-uniform motion. Okay. So let us take
टेक एग्जाम्पल, 6 माइनस 4, ओके सर, डिफरेंस इज 2 सेकेंड, 9 माइनस 4, सो हियर द डिफरेंस इज 5 मीटर, विच इज नॉट इक्वल टू द प्रीवियस वन, सो वी कैन से दैट द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म. सो इफ यू विल जॉइंट दिस ऑल द पॉइंट्स टुगेदर, मतलब अगर हम इस पॉइंट्स को बनाते जाएंगे डेटा के अकॉर्डिंग, सिमिलरली वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया है यहाँ पे, और उस तरीके से अगर हम जोड़ते जाएं यहाँ पे, तो जोड़ने से मुझे कर्व मिलेगा, लेकिन वो सॉरी मुझे एक लाइन मिलेगी, लेकिन वो लाइन कैसी होगी, कर्वेचर वाली. वो लाइन कैसी होगी, मेरी कर्वेचर वाली होगी. सो वी कैन से दैट द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्वेचर लाइन. सो डियर स्टूडेंट, अगर कहीं पर भी आप ऐसा ग्राफ देखते हो, तो विजिबली आप छट से पहचान जाओगे कि अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल रहा है, देन द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन. बट द ग्राफ विल बी कर्वे, इफ द ग्राफ इज कर्वेचर इन शेप, देन वी कैन से दैट द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, देन आफ्टर द अनदर ग्राफ इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यू कैन इजीली फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस. वेलोसिटी जब मैंने पढ़ाया था, तो उसमें कहा था कि दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वाइल द स्पीड इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वी ऑलरेडी हैव अ नॉलेज अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, उसके बारे में हमें काफ़ी चीज़ें मालूम है. सो वॉट वी विल डू, लेट अस टेक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स दो पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी एंड टाइम, और इफ मोर प्रिसाइजली आई विल से दिस आर द टू वेरिएबल्स, वेलोसिटी एंड टाइम. सो ऑन अ वाई एक्सिस आई विल टेक वेलोसिटी एंड ऑन अ एक्स एक्सिस आई विल टेक टाइम. ओके, सो इफ आई विल कंसिडर दैट द वेलोसिटी इज अ कॉन्स्टेंट, मीन्स द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज रिमेन कॉन्स्टेंट 5 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी कैसी है, कॉन्स्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड. सो स्टूडेंट्स, टाइम चाहे कितना भी चला जाए, 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड 9 सेकेंड 10 सेकेंड 11 से 12 15 16 17, कितना भी टाइम चला जाए, मतलब इस ग्राफ के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, यहाँ पे कितने भी आप सेकंड्स प्लॉट कर लो, लेकिन सभी सेकंड्स के रिस्पेक्ट में आपको पॉइंट्स कहाँ पे मिलेंगे. मींस आप 2 सेकंड पे लेते हो, तो वहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, मतलब ये लाइन ऐसे गई, ये लाइन ऐसे गई, मतलब यहाँ पे पॉइंट मिला. 4 सेकंड के बाद देखो, तो वो वाली लाइन खींचो, तो तभी भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो उसका भी पॉइंट यहाँ पे मिला. तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू कनेक्ट दिस डॉट्स टुगेदर, देन यू विल गेट वन स्ट्रेट पैरेलल लाइन. आपको एक स्ट्रेट और पैरेलल लाइन मिलेगी. इट इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. ओके, अब हमें उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या करना है, मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड डिस्टेंस, कि भाई 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, तो उसने कोई एक स्पेसिफिक स्पान में, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से कुछ जा रहा है, तो डेफिनेटली वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो से कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ T1 और यहाँ पे लेता हूँ T2, और इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे डिस्टेंस चाहिए. तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि जो दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो दो पॉइंट्स और वेलोसिटी की जो लाइन है, उन दोनों को जॉइंट कर दो इस तरीके से, तो उनके बीच का जो ये एरिया बनेगा ना, दिस एरिया इज नथिंग बट योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ये आपका क्या मिलेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ये ट्रैवल हुआ डिस्टेंस आपको मिला ऑब्टेन करके देगा. सो द कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, दैट हाउ मच डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट विल ट्रैवल. सो वी नीड टू कैलकुलेट the area under this rectangle to obtain the distance traveled. So let us take the example. So distance traveled by T1 to T2, मतलब T1 second से लेके T2 second तक object ने कितना distance travel किया, if I want to know that amount of distance, I will put one formula.
एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी सॉरी ए बी डी सी, ये एरिया जो है रेक्टेंगल का ठीक है, इसके अंदर का जो एरिया है आई नीड टू कैलकुलेट देयर एरिया। सो डियर स्टूडेंट्स, 8 स्टैंडर्ड से लेके सॉरी जब आप 5 से 8 स्टैंडर्ड के मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ होगा कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू विथ। सो हियर ए बी, वेट, ए बी इज दी लेंथ एंड ए सी इज दी विथ, दिस इज एल इंटू दिस इज विथ बी, ओके। सो ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए सी विल गिव यू द डिस्टेंस। सो यू नो दैट द वैल्यू ऑफ ए बी इज वॉट, अगर आपको ए बी की यानी कि इतनी वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा, टी टू पॉइंट जो है वो टी टू पॉइंट आपको क्या दिखाता है, ज़ीरो, यानी कि इस रेफरेंस से यहाँ तक का टाइम, ठीक है। लेकिन आपको कितना चाहिए, यहाँ तक का। सो वॉट यू शुड डू, यू विल टेक टी टू डिस्टेंस एंड देन माइनस टी वन डिस्टेंस। सो इतने में से इतना आप अगर आप एक्सट्रैक्ट कर दोगे देन यू विल गेट दिस मच अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, ओके। सो इतना डिस्टेंस आपको मिलेगा। सो बेसिकली ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टी टू माइनस टी वन, और ए सी देखो ये ज़ीरो पॉइंट है रेफरेंस, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको मालूम है क्योंकि ये लाइन ही कितनी वैल्यू दिखाती है, 5 मीटर पर सेकंड की। सो सी से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। सो 5 मीटर पर सेकंड आपकी वैल्यू हो जाएगी ए सी की। सो सिंपली पुट दिस, सो इन दिस वे यू विल गेट योर आंसर। अगर टी टू टाइम दिखा देता देता हूँ आपको, अगर टी टू इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड है और टी वन इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड है, ठीक है। सो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 5 मीटर, इट इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि 5 मीटर जो है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस है, ओके। दैट्स इट। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन इज ओवर, थैंक यू।